जमीन में दबे हुए खजाने का प्राचीन ग्रंथों में बहुत महत्व है, उनका उल्लेख भी हुआ है और लक्षण भी बताए गए हैं। आज हम आपको परिचित कराने वाले हैं ऐसे खजाने से जो भूमि में गड़ा हुआ होता है। लेकिन ये वीडियो बस जानकारी देने मात्र के लिए है, इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि ये जो भी खजाना आपको दबा हुआ मिलता है उसको आपको सरकारी कोष में जमा कराना पड़ता है, ये आपको समझना चाहिए। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं किसी भी रूप में समर्थन नहीं करती हूँ और निंदा भी नहीं करती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ इस प्रक्रिया को लेकर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं कि क्या जो लक्षण होते हैं जिस ज़मीन में खजाना दबा हुआ होता है। तो इसको जानने के लिए आप उत्सुक होंगे तो वेट करिए, अभी और आपको जानकारी देने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस मिट्टी के अंदर से या जिस भूमि के अंदर से शहद जैसी गंध आए, वहाँ निश्चित रूप से चांदी होती है या तांबा होता है। ये आपको मालामाल कर सकते हैं अगर आप इनको निकालते हैं, लेकिन अब सोच समझ के निकालिए क्योंकि ये कानूनी जुर्म भी हो सकता है। जिस जगह पर कबूतर की बीट की गंध आती है या स्मेल आती है, उस जगह पर पत्थर ही पत्थर होते हैं और खोदने पर वहाँ पानी का नामो निशान आपको नहीं मिलता है। अगर आप खुदाई करवा रहे हैं जल की प्राप्ति के लिए, तो ऐसी ज़मीन को आपको स्मेल ले लेनी चाहिए और खुदाई नहीं करानी चाहिए। जिस स्थान पर अक्सर कोयल का आना जाना होता है, जिस स्थान पर अक्सर कोयल आती जाती है, जिस स्थान पर कोयल बैठी होती है, उस स्थान पर स्वर्ण प्रचुर मात्रा में होता है उपलब्ध जमीन के अंदर। जिस स्थान पर छाछ यानी मट्ठे की गंध आती हो, उस स्थान पर खुदाई करने पर भी जमीन के अंदर सोना होता है, स्वर्ण होता है। ये काफ़ी गहराई और विस्तार से होता है और इसको खोदा जाता है तो सोना निकलता है। जिस स्थान पर भूमि में दूध की गंध आए, दुग्ध की गंध आए, उस स्थान में वहाँ जमीन में सिल्वर दबे होने का आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी जिस ज़मीन में या मिट्टी में दूध के समान या दूध की गंध आए, वहाँ चांदी दबी हुई होती है। जिस जगह पे कमल की गंध आए, कमल के पुष्प की सुगंध आए, वहाँ भी आपको स्वर्ण के भंडार जानने चाहिए। जिस जगह पर हाथी की शौच या हाथी की पॉटी के समान स्मेल आए, वहाँ भी अक्सर सोने के भंडार होते हैं। तो आज हमने आपको बताए भूमि के अंदर दबा हुआ खजाना कैसे प्राप्त करें। ये खजाना प्राप्त करने का आपको संदेश नहीं देते हैं, डिस्क्लेमर हम देते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क पे कोई काम करें। हम एस्ट्रोलॉजर हैं और हमारा जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी और खजाने के बारे में या ज़मीन में दबे हुए धन के बारे में लोग जानना चाहते थे। ज़मीन में जो धन दबा हुआ होता है, वहाँ की नाग देवता रखवाली करते हैं। पुराने मकानों में भी ये प्रक्रिया होती है और नाग देवता जिसका जो उसका असली हकदार होता है, उसको ही वो संपत्ति मिलती है। तो ये आपको समझना चाहिए, किसी के भी धन का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हम किसी भी तरह से इस वीडियो का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस जानकारी देने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री। मैं डेली ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जो जानकारी से भरपूर होती है और आपका ज्ञानवर्धन भी करती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच।